हेलो, अस्सलाम वालेकुम। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज मैं आपके साथ 11 नेचुरल ऑयल्स शेयर करने जा रही हूँ जो कि बच्चों के मसाज के लिए बहुत ज़्यादा अहम हैं। कोकोनट ऑयल 2020 की मेडिकल स्टडीज से पता चलता है कि कोकोनट ऑयल ना सिर्फ प्री मैच्योर बेबी की स्किन को इम्प्रूव करता है बल्कि उसे स्ट्रॉन्ग भी करता है। इसके अलावा इसमें विटामिन ई होता है और दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो कि हेल्प करते हैं एक्जिमा की ट्रीटमेंट में। आलमंड ऑयल और ये भी बहुत हेल्प करता है प्री मैच्योर बेबीज़ की स्किन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और इसके अलावा ये बेबीज़ की स्किन टोन और कम्प्लेक्शन को भी बहुत अच्छा करता है और ये यूवी रेडिएशन से भी बचाता है। नंबर 3 पे है शिया बटर और ये एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र है और ये भी बहुत अच्छा है आपके बेबी की स्किन के लिए। कैमोमाइल लोशन और ऑयल, ये भी बच्चों की ड्राई स्किन, ईची, एक्जिमा और डायपर रैशेज़ के लिए बहुत अच्छा है और ये कॉलिक पेन में भी बहुत हेल्प करता है। जोजोबा ऑयल, इसमें भी विटामिन ई पाया जाता है और ये भी बहुत अच्छा होता है बेबीज़ की स्किन के लिए। मस्टर्ड ऑयल, ये भी हमारी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लाइक पाकिस्तान इंडिया में बहुत यूज़ होता है मसाज के लिए, लेकिन आपको ये ख़रीदने से पहले ये श्योर कर लेना चाहिए प्योर होना चाहिए, नहीं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। सेसमी ऑयल, इससे अगर हम मसाज करें बच्चे को तो उससे उसकी ग्रोथ होती है और उसकी इन्फ्लेमेशन कम होती है, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें और ये यूवी रेडिएशन से भी प्रोटेक्ट करता है बॉडी को। ऑलिव ऑयल भी बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए और ये बॉडी को हाइड्रेट करता है, और अगर आपके बच्चे की स्किन बहुत सेंसिटिव है तो फिर ये थोड़ी सी ड्राइनेस कर सकता है अगर उसमें स्क्रैचेस हैं या कुछ इस तरह, वरना ये बहुत अच्छा होता है यूज़ करने के लिए। कुछ मिडवाइफ ये भी रिकमेंड करती हैं कि बच्चों की ये मसाज के लिए सनफ्लावर ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं आप, लेकिन इसके लिए भी ये है कि ये आपको यूज़ करने से पहले इसका पैच टेस्ट करना होगा, स्किन पैच टेस्ट, अगर वो सूटेबल होगा आपके बच्चे के लिए तो फिर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। टी ट्री ऑयल भी आप एज अ मसाज ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसकी प्योर फॉर्म नहीं यूज़ कर सकते, इसके साथ आपको किसी और ऑयल को मिक्स करना होगा इसके फ्यू ड्रॉप्स लेके, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है, एंटी फंगल इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और ये स्किन के लिए अच्छा होता है। डायपर रैशेस के लिए आप कैलेंडुला ऑयल यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये स्किन को सूदिंग इफ़ेक्ट देता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये इफ़ेक्टिव होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।